जमान पार्क में इस्लामाबाद पुलिस के नोटिस की तामील के दौरान मुजाहमत का मुकदमा अदालत ने शिबली फराज की अगली जमानत में 8 मई तक तोसी कर दी। सेशन कोर्ट ने शिबली फराज को शामिल तफ्तीश होकर बयान रिकॉर्ड करवाने का हुक्म भी जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, समान पार्क में इस्लामाबाद पुलिस के नोटिस की तामील के दौरान मुजाहमत का मुकदमा है। अदालत ने शिबली फराज की बुरी जमानत में 8 मई तक तोसी कर दी है। तो वहीं सेशन कोर्ट ने शिबली फराज को शामिल तफ्तीश होकर बयान रिकॉर्ड करवाने का हुक्म भी दिया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज नुमान नूर से। जी नुमान, अपडेट कीजिए इस हवाले से। जी, सेशन अदालत ने समान पार्क में इस्लामाबाद पुलिस के नोटिस की तमील के दौरान मजामत का यह मुकदमा था, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज की अबूरी जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने अबूरी जमानत में 8 मई तक तसदीक का हुक्म जारी कर दिया। शिबली फराज में जो है वो अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए हैं। पुलिस ने यह रिपोर्ट अदालत में पेश की। अदालत ने शिबली फराज को शामिल तफ्तीश होकर बयान रिकॉर्ड करवाने का हुक्म दे दिया, जबकि थाना रेसकोर्स पुलिस ने शिबली फराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। जबकि इस मुकदमे के अमराही मुलजम शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी अबूरी जमानत पर अदालत में पेश न हुए। शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी ने एक रोजा हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर की, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, जबकि शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में अदालत ने 8 मई तक तस्दीक का हुक्म जारी कर दिया। आपका बहुत शुक्रिया नुमान।